जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत मुबारक महीना है ये, और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर। और इस मुबारक महीने में हमारे जो सिमरन जी हैं, इन्होंने एक फिल्म लॉन्च कर रहे हैं ये लोग, आप प्लीज़ बताइएगा। मैं चाहूँगी ये बताएं आपको। हाँ, जैसे कि हमने आज इफ्तार पार्टी रखी है और सबको हमने इनवाइट किया है, तो एज ए फ्रेंड ये भी इनको भी मैंने इनवाइट किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। और हाँ, हम फिल्म स्पेन में हम शूट करके आए हैं, और फिल्म का नाम है डेविल इन पैरिस, तो उसी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। जी जी, मैं मुबारक देना चाहूँगी मुझे मैं मुबारक देना चाहूँगी उनको। और अभी तो शुरुआत किया, इंशाल्लाह आगे और अच्छा करेंगे। थैंक यू। देखिए, इकबाल भाई दोस्त है और भाई है, लेकिन इनका एक कसूर सबसे मुझे अच्छा लगता है, जो जायज़ है वो उसका साथ देते हैं। सो बेस्ट पार्ट ये है कि जो अगर मैं गलत हूँ तो मेरा भी साथ दे देंगे, वो मुझे इतना मालूम है। इसीलिए आज उनको चुना गया है उसके लिए कि उस जगह पर बैठाया गया है कि वो सबके साथ एक जैसा उसूल कायम कर सके। सो बस इकबाल भाई को हमारी सबकी दुआ है, ऐसे आगे बढ़ते रहे और हम जैसे एक्टर्स को प्रमोट करते रहे। भाई वो अनिकेत से भी हमारे वो सवाल कर, ये हमारे भाई का बैंकवेट है, हाँ करें आप। हाँ भाई हम लोग निकले क्या भाई? हम लोग कवर आपका नाम जी? मेरा नाम मनोज हंसराज है, और आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए। एक्चुअल मेरा जो हुलिया है बारिश की वजह से, या डेविल इन पैलेस जो विक्रम जी, विक्रम चंदू जी जो डायरेक्ट कर रहे हैं उसी फिल्म का। एक लाइन में किस तरह की स्टोरी है ये? सस्पेंस फिल्म है और थोड़ा हॉरर टच है, और एक आपको पूरी कहानी के अंदर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अब जैसे जैसे कहानी रोलिंग होती है, आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी एक अलग तरह का थ्रिलर क्रिएट होते जाता है। क्रिएट होते 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 बूम से आता है सामने, अरे शाह ये क्या हो गया, डिफरेंट। आपको स्क्रीन प्ले में आपको काफ़ी कुछ नया देखने मिलेगा, जो जनरल फिल्में चलती है उसका जो स्क्रीन प्ले होता है वो जिस तरह इसके अंदर विक्रम जी ज़्यादा से ज़्यादा समय दिए हैं, और उनके साथ हम लोग बैठ के जितना हो सकता था एक राइटर के तौर पर हम लोगों ने उसको बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश की। पूछो सर, ये जो इतनी बड़ी इफ्तार पार्टी दी है इसके बारे में बताइए, और भगत सिंह से रिलेशन है तो उसके बारे में बताइए कि क्या कहना चाहेंगे इसको लेके। क्या एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहे हैं आप? जो रिश्ता आपका, आप भतीजे लगते हैं उनके, मतलब रिश्ता है, तो उस रिश्ते के बारे में बताइए और इफ्तार पार्टी को लेकर बताइए। इफ्तार पार्टी देखिए, क्या एक इफ्तार पार्टी का मतलब ये कि हिंदुस्तान आज भी पहले वाला हिंदुस्तान है। आप जानते हैं कि संधू तो ज़िंदगी में पहले एक पंजाब में तो एक रीज़न समझा था संधू फैमिलीज को, और एक सबसे बड़ी बात है कि हमने शुरू से ही हिंदुस्तान को जोड़ने की कोशिश की है। बाबा दीप सिंह संधू थे, ठीक है, तो हम लोग की हमारी कोशिश यही रही ज़िंदगी में, यही रहा कि हिंदुस्तान एक रहे, और एक ही कोशिश है एक रहेगा, और हम जब तक हम लोग हैं तो हम इसे जोड़ने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की नहीं। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ऑफकोर्स ये जो इफ्तार पार्टी जो सर ने रखी है ये एक तरह का गेट टुगेदर है सबका। हम लोग काफ़ी टाइम से सबसे मिले नहीं थे स्पेन के शेड्यूल के बाद, तो बहुत अच्छा लगा सबसे वापस मिलके, वाज रियली गुड। और मूवी के बारे में, ऑफकोर्स जो स्पेन का शेड्यूल था हमारा, दैट वाज रियली वंडरफुल, एंड मैं उसमें एक जाट का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो बाकी बात ऑफकोर्स हम धीरे धीरे बताएंगे। आप क्या कहना है, किस तरह किरदार है आपका? मेरा जो कैरेक्टर है ऐश, शी इज़ अ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल गर्ल, ऑफकोर्स शी इज़ बेस्ड इन लंदन, तो एक फोटोग्राफर है, बाकी तो कैरेक्टर क्या है वो आपको समझ में आएगा, बट बेसिकली आई एम प्लेइंग अ वेरी वेरी कैरेक्टर वेरी क्लोज टू वैशाली, दैट्स मी। सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, और बहुत मज़ा आया स्पेन में शूट करके, बिकॉज इट वॉज काइंड ऑफ अ पिकनिक, इट वॉज अ फैमिली हॉलीडे, वी ऑल आर फैमिली एंड वी वेंट फॉर हॉलीडे, तो शूटिंग तो कब हो जाती थी हमें पता भी नहीं चलता था। द एनवायरमेंट वॉज वेरी गुड, एंड इफ्तार पार्टी, सो आई एम तो वेरी हैप्पी टू बी हियर, क्योंकि सब लोग के साथ इतने टाइम बाद मिलना, और यू नो ईटिंग गुड फूड, एंड ऑफकोर्स द ये जो मोमेंट है बहुत पायस है इफ्तारी का, सो इट्स वंडरफुल। क्या देखिए,
हम हिंदुस्तानी हैं और किसी भी फेस्टिवल को या हम सेलिब्रेट करने के लिए पहले से तैयार होते हैं, तो हम नहीं मानते कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम सब हिंदुस्तानी पहले हैं। सो आज इफ्तारी पार्टी रखी हुई है और हम इफ्तार पार्टी का मज़ा ले रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं। स्पेन में हमने बहुत मज़े किए, लेकिन उसके बाद मिलना हुआ नहीं, करीबन 10 दिन हो गए यार, है ना। तो 10 दिन बाद फिर से लोगों से मिल रहे हैं, मज़े हो रहे हैं और इस पाक मौके पे हम सबको हमारी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं। हैव फन।